हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको घर पर ग्लिसरीन बनाना सिखाऊंगी, वो भी केवल 3 इंग्रेडिएंट से, जो कि हमारे घर पर आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ग्लिसरीन बनाने के लिए सिंपली हमें कोई भी, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी खाली कंटेनर लेना है। अब हम लेंगे ऑयल, कोकोनट ऑयल है ये, मैंने इसे गर्म कर लिया और अलग कटोरी में निकाल लिया है। तो पहले 2 टेबलस्पून मैं कोकोनट ऑयल लेने वाली हूँ। आप देख सकते हैं मैंने लगभग इतना 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। आप चाहे तो आलमंड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। अब मैं लूँगी पानी, ये नॉर्मल वाटर है, इसमें मैं 1 टेबलस्पून वाटर ऐड करूँगी। आपने जितना ऑयल लिया है उसका हाफ लेना है पानी। तो मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है तो 1 टेबलस्पून मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। जैसा कि गाइस ऑयल और वाटर एक दूसरे के एनिमीज़ होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे में नहीं मिलने वाले, तो फिर भी हमें इन दोनों को मिलाना है, इनको अच्छी तरीके से मिलाना है। ये देखिए कैसा मिक्सचर बना है। तो थर्ड एंड लास्ट हमें लेना है सॉल्ट। हमें वाइट सॉल्ट लेना है, कोई भी काला या फिर सेंधा नमक यूज़ नहीं लेना है। तो मैं इसमें 2 पिंच और लगभग 2 पिंच मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। ये मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब तीनों को अच्छी तरीके से मिलाएंगे। इन तीनों को अच्छे से मिलाने के बाद हमें अगला स्टेप बड़ा केयरफुल तरीके से करना पड़ेगा। हमें कोई भी बर्तन चढ़ाना है गैस पे, गैस रखना है लो फ्लेम पे और उसमें ये मिक्सचर डाल देना है। इसको डालते वक्त आपको अपनी आँखों का और खुद का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि डालते इसमें तड़का आएगा, बहुत ही ज़ोर से आएगा। तो आपको अपना और खुद का ध्यान रखना है पूरा अच्छी तरीके से। इसको थोड़ी देर के लिए गर्म होने दें और इसे साथ में मिलाते भी जाए, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इसलिए हमें गैस को लो फ्लेम पर रखना है। तो थोड़ी देर गर्म हो जाए अच्छे से, पूरा लिक्विड सा बन जाए, ट्रांसपेरेंट सा, तो इसे अपनी वापस कटोरी में ट्रांसफ़र कर लें। सो गाइस, हमारा ग्लिसरीन बनके तैयार हो चुका है एकदम। ये बिल्कुल मार्केट जैसा ही लग रहा है, ये यूज़ करने के बिल्कुल लायक है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल रेडी है। अब ये लगाने में बहुत ज़्यादा स्मूथ है, स्टिकी ऑयली भी ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका ग्लिसरीन बहुत ज़्यादा गाढ़ा बन जाता है तो आप इसमें अलग से गर्म पानी ऐड कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा पतला बन जाता है तो आप इसमें अलग से कोकोनट ऑयल गर्म करके मिला सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने घर पर ग्लिसरीन बनाना सिखाया है, वो भी बहुत ही ईजी तरीके से, और ये बनाने में बहुत ज़्यादा ईजी और यूज़फुल भी रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।